आपकी चॉइस थी रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना आप नहीं इतना एक्सपोज करना चाहते थे क्या राखी का डर था डरता तो मैं किसी के बाप से भी नहीं आई लिटरली वेंट through so much of things in my life लास्ट ईयर लास्ट ईयर दिस टाइम आई वॉज इन जेल आई केम आउट I was in jail. I came out. I came alone here and I fought my battle. I don't get afraid of anything in my life. Rakhi is in Dubai because Rakhi को ऊपर जो हमने केस किया के, है राखी को बेल नहीं मिल रहे She's absconding yeah. from India from the last four and a half months now. That is why she is in Dubai. If she comes, she'll be behind the bar the next two hours if she comes to India. जब आपकी शादी की बात आई देर वॉज क्लेम किया कि अरे हमारा तो भी नहीं हुआ है नादिल शादी कर ली। हमारी शादी हुई थी क्या इलीगल वो कही है पाँच पाँच शादी करके छुपा के आज की डेट में भी किसी को दिया वो वो एलिगेशन नहीं लगा जरा जो मेरे पे आरोप उसने झूठे एलिगेशन exactly. उसको सिर्फ मैंने साफ किया आज तक मैं आज तक बोलता हूँ औरत की मैं इतनी ज्यादा इज्जत करता हूँ मैं आज तक खोल के नहीं बोला मेरे साथ क्या किया ये फॉल आप बिग बॉस एंटर करेंगे कंडीशन अगर वो इनशाला होता है तो मैं डेफिनेटली जाना पसंद करूंगा लास्ट लास्ट ईयर आई आई द फर्स्ट कंटेस्टेंट से तो मेरे मेरा थोड़ा ये था कि राखी को नहीं डालना चाहिए आप लोगों को अंदर दैट इज़ आई आई विल विल बी हैप्पी और दिस शो जो भी मेरे साथ हुआ है मेरे साथ जिंदगी में उसके बाद मुझे लड़कियों के ऊपर भरोसा ही उड़ गया था तो ये भी मैं कह सकता हूँ सोमी वॉज द पर्सन वो जो मेरा फिलिंग ब्लैंक्स थे शी कुड कुट और सोमी ने मुझे फेस से निकाला Hello and welcome to Prime Talkies on Bollywood Bubble. I am Akruti Bagla and today I am with the most, I can say, lovely couple, adorable couple, newlyweds.

सर्टन थे कि हम रमज़ान से पहले शादी करेंगे बिकॉज हमको रमज़ान साथ में गुजारना था तो रमज़ान का तीसरा रोज़ा है अलहमद हम रोज़े साथ में रह रहे हैं बिकॉज हमने प्लान किया था कि हम रोजे साथ में रहेंगे इबादत साथ में करेंगे तरावी साथ में पढ़ेंगे तो अलहमदिल्ला चीज़ तो कह सकता हूँ अल्लाह ने मुझे ऑलरेडी ईदी दे दी मुझे ईदी <laughs> मिल चुकी है ऑलरेडी <laughs> तो मेरी दुनिया की मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ईदी है सोमी तो बहुत ही ज़्यादा यू नो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये क्योंकि रमजान हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मंथ होता true, true. है और आदिल का साथ होना इट मेक्स मी सो स्पेशल और हर दिन मतलब रोजा रखने की भी ताकत मिल रही है ऐसा लग रहा है कि हम लोग का पूरा रोजा निकल जाता है एक दूसरे के सपोर्ट से पता भी नहीं चलता है। हम कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को हमें लगता है हम कभी भी ना हमको ये नहीं लगता हम रिबेल नहीं होते हर चीज़ में ये मुझे नहीं करना ये मुझे नहीं करना ये कलर नहीं पसंद वो कलर नहीं पसंद हम दोनों ना ऐसा लगता है वी आर मेड फॉर इचे अदर हर चीज में ना फॉर एन एग्जाम्पल खाने की चीज की बात करता हूँ मैं अगर कुछ भी खाने का मन हो ना फॉर एन एग्जाम्पल सोमी आ, सोमी अगर कहती है बिरयानी मुझे ये नहीं लगता पिज्जा मुझे भी लगता हम बिरानी खाना चाहिए वी फॉर एग्जाम्पल मुझे खाने का मन हो दाल खिचड़ी सोमी को भी लगता है दाल खिचड़ी खाने का मन है हम दोनों ना कभी भी ये नहीं होता ना हैव यू रियलाइज दिस हैव यू रियलाइज दिस खाने में हशश नहीं होता पेन में हशश नहीं होता खाना जस्ट वन एग्जांपल ऐसी कई चीजें होती है हमारी डेली रूटीन में जो हम लोग एक दूसरे के लिए हां ये सोचते हैं मुझे क्या अच्छा लगेगा मैं सोचती हूं इनको क्या अच्छा लगेगा यू नो आदिल एंड फॉर मी जब आप लोगों की शादी की न्यूज़ आई फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ हुई एंड कीजिए यहाँ तक you know, क्या प्रोसेस था दुबई में था दुबई में एक शो था वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी देन वी अप्रोच सोमी फॉर अ सॉन्ग हमको गाना okay. करना था तो हम लोग बैक टू तो बैक गाने कर रहे थे तो वी वॉन्टेड हर फॉर पैर लीड लीड तो हम लोग जाके अप्रोच किए थे सोमी को तो वहाँ से शुरुआत हुई मुझे इतना अच्छा लगा शूट में इतने सारे कोएक्टर्स के साथ मैं काम किया हूँ बट सोमी वॉज समथिंग एल्स ओनली फॉर मी <laughs> सो सो वो होता है ना लड़कों को एक बचपन से जो भी कोई पूछता है तो ड्रीम गर्ल ड्रीम गर्ल ड्रीम लड़की आपको कैसी चाहिए मुझे कभी भी वो था कि मुझे बहुत ब्यूटिफुल चाहिए मुझे सॉफ्ट स्पोकन चाहिए बहुत क्यूट सी चाहिए शी वॉज हाइव एवरीथिंग हाइव जस्ट हर चीज़ सोमी में अच्छी थी हर चीज़ और जो भी मेरे वीकनेसेस हैं ट्रस्ट में वो सोमी की स्ट्रेंथ है हर चीज में फॉर एग्जाम्पल मैं पैसे नहीं बचा सकता मैं पैसे एकदम खर्च कर देता हूँ वो स्ट्रेंथ है सोमी की सोमी पैसों को जोड़ सकती है <laughs> वो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए तो ऐसे-ऐसे छोटी छोटी चीजें तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी गाना भी रिलीज था उस टाइम उस गाना था आपका था एंट्री एड रो आई रिमेंबर यू ऑन स्टेज एंड यू इज़ लाइक रियली हम्बल सो दैट्स एट वो याद है फिर नेक्स्ट डे हमने शूट साथ में करने के लिए जो हमारा था नेक्स्ट डे शूट ही था हमारा साथ में तो आई सॉ हेम ऑफरिंग नमाज ऑल्सो दैट वॉज वेरी इम्प्रेसिव आई वॉज लाइक ओके इट्स नाइज एवन समीजियस एंड स्परिचुअल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मे बी विच आई रीली लाइक डबाउट यू सोमी अगर आपसे पूछूँ तो यू नो आफ्टर बिग बॉर्डन बिग बॉस बी सी यू इन मच फिक्शन शोज आई एम नॉट रियली लाइक वेरी एक्टिव आई विल बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्रोजेक्ट्स ऑल्सो सो आईव दन फ्यू एलबम्स एंड आईम लाइक लिटल बट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वॉज लाइक नॉट रियली एवरीथिंग मैं बहुत चूजी हूँ पर्टिकुलरली बिकॉज ड्यू टू आज कितना ज़्यादा बोल्ड सीन या किसिंग सीन्स एंड ऑल आई कैन नॉट डू इट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विथ हाँ दो द मोमेंट वी मेट मैंने एक शो फाइनल किया था स्टार भारत का जब हम मिले थे और वो एक रीज़न है हमारा और इमोशनली क्लोज आने का क्योंकि शूट के दौरान बहुत लेट हो गया था मैं अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाई थी और मेरा शो टी शो चला गया था उससे मेरे हाथ से क्योंकि मुझे मुंबई पहुँचना था और मैं दुबई में थी और हमारे गाने का शूट बहुत लंबा हो गया तो मैं फ़्लाइट नहीं ले पाई री इमोशनल की मेरा शो बहुत इंपॉर्टेंट था छूट गया सो ही वॉज देयर टू सपोर्ट मी एज अः हम लोग इतने अच्छे से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे फिर so. भी वेरी like काइंड को, कोई बात नहीं सब अच्छा होगा इसके आगे भी अच्छा कुछ hmm. और बड़ा मिलेगा आपको मुझे क्या पता था ये मिल जाएंगे फिर <laughs> हमेशा के लिए But so. आदिल आपको पता था कि यू नो यू विल गेट सेकेंड लव आई वुकेंड चांस इन लव इन बिकॉज आपका एक इतना

बहुत मुझे फेस से निकाला तो और मुझे ये लगने लगा नहीं मैं प्यार दोबारा कर सकूंगा एंड शी इज द वन फॉर मी बिकॉज ही वॉज सो परफेक्ट इन दिंग्स जब बात करता था समझाने में सलीका द फे यूज़ टू कैरी हर्फ मुझे समझाना मुस्कुरानाज इज़ ब्यूटिफुल तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अडोर करने लगी हाँ तो टाइम लगा

तो जो आदल बोल रहे हैं ना वो कॉन्फिडेंस वो एक इज़्ज़त रिलेशनशिप की हस्बैंड वाइफ की वो चीज़ मुझे समझ में आता है इनका बैकग्राउंड जैसे मैं देखती हूँ लोगों को इनके घर खानदान से मिली इनके रिलेटिव से पेरेंट्स से मिली सिस्टर आर सो यू नो पर्टिकुलरली कि वो कहते हैं कि आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का संभाल के चलना प्यार से रहना इज्जत से रहना एक दूसरे के साथ तो डेफिनेटली जब अपब्रिंगिंग इनकी इतनी अच्छी है इनकी सोच इतनी अच्छी है तो मुझे पता है ये आदिल को पता है कि रिलेशनशिप कैसे निभाते हैं हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की क्या वैल्यू होती है और ये कितना कुछ मुझे इनसे भी सीखने को मिलता है तो ये यूजुअली होता है तो रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको समझो आप उसको यूज ना करो तो बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप को सिर्फ शादी करना उनसे पैसे ले लेना उनसे असेट्स ले लेना उनसे प्रॉपर्टीज ले लेना फिर उसको छोड़ देना बिकॉज दे ये पैटर्न बन चुका है दिस इज नॉट द वे एक खूबसूरत रिश्ता है इसको निभाने से ना बहुत अच्छा लगता है देखो आई टेल यू वॉट एक बार आपकी शादी हो गई बीवी वि थर नो बीवी थर मेक योर दुनिया बीवी विथ गेट अपर मेक हर योर फ्रेंड योर

कोई गंदी बात है कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी ना सुननी ना इंटरटेन और करनी मुझे भी रखना है मुझे सोमी को ना एकदम मुझे नेगेटिविटी से दूर रखना है इसीलिए हमने हम लास्ट सिक्स मंथ से जानते हैं दूसरे को कभी okay. भी देखो हमारी स्पॉटिंग नहीं हुई कभी भी हम मीडिया yeah. में नहीं है कभी भी मेरी स्टोरीज में नहीं है कभी भी हम रील्स में नहीं है दैट्स ओनली बिकॉज इनफैक्ट हमारा गाना जो शूट हुआ है रिलीज हमने उसको भी डिले कर दिया हमने बोला नहीं शादी के बाद हम डिले करते हैं अभी देखो घूमेंगे फिरेंगे गाने रिलीज़ के लिए कुछ कॉन्ट्रोवर्सी टाइप करेंगे आई डोंट वॉन्ट उसके बाद जाके हमारी शादी हो आई डोंट वॉन्ट कि हम लोग हमने हम दोनों एक सेम पेज में थे कि हम दोनों शादी करते हैं अच्छे तरीके से और अच्छी एक इज्जतदार जिंदगी जीते हैं तो हमने कुछ थे? भी नहीं किया तो इट इज़ वेरी 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 पर्टिकुलर और मैं नेगेटिव चीज़ों से बचा के रखना चाहता था सोमी को और जिंदगी पर बचा के रखूंगा आई विल ऑलवेज बी आर शील्ड टू हर आई नेवर वॉन्ट एनी थिंग नेगेटिव कम टू हर बिकॉज ना बहुत पॉजिटिव है और मैं बहुत I mean. ही ज्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ हम दोनों मिलके ना इसलिए मिले हैं बिकॉज हम दोनों पॉजिटिव इंसान हैं ये दुनिया में ना यू वोंट बिलीव दस लोग में ना आठ लोग नेगेटिव लोग हैं नहीं आई ट्रूली बिलीव दैट और आप कमेंट देखो जो भी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड होता है ना वो नेगेटिव कमेंट कर देता है exactly. जो नेगेटिव कमेंट करता है ना आप प्लीज जाके उसको देखो कभी भी मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा एक तो बीवी अच्छी नहीं होगी उसके बच्चे अच्छे नहीं होंगे <laughs> oh उसको खुशी नहीं दिस इस बारदाश्त होती वो खुश नहीं देख सकता किसी को भी कुछ लोग होते हैं ना खुद खुश रहते हैं ना किसी को देख सकते हैं तो बहुत लोग हैं जो यू नो नेगेटिव भी बोलते होंगे श्योर

डरता दर्थ, तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ <laughs> जिंदगी करना है मैं जब आया था मेरी ऐसा बिल्कुल mm -hmm. भी नहीं है वी आर ऑन द लीगल वॉर मैं डरता तो किसी से नहीं हूँ मुंबई इज ए न्यू टू मी आई कम फ्रॉम साउथ आई लिव लिटरली वेंट थ्रू सो सो मच ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ लास्ट ईयर लास्ट ईयर टाइम आई वॉज इन जेल आई केम आउट I came alone here and I fought my battle I don't get afraid of anything in my life that nothing was, is nothing anyway uh, that was our choice we kept it very private क्योंकि हमें हम लगता था जब वो सब चीज बकता हो जाएंगी और शादी निकाह हो जाएगा शादी हो जाएगी तो पता पता चल जाएगा नहीं नेगेटिव चीजों के लिए बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है कोई ने कुछ ना बोलेगा कोई कुछ बोलेगा कोई hmm, कुछ वीडियोस बनाएगा आज एग्जांपल आप जाके ऑब्जर्व करके देखो हम एक स्टोरी डालते हैं मैं एक स्टोरी डालता हूं ना उसके कम से कम इन एन एवरेज बताता हूं मैं पंद्रह स्टोरीज बनते हैं पंद्रह यूट्यूब चैनल चलते हैं स्टोरीज mm -hmm. है एक बार भी हम स्पॉट हो जाते हैं ना उनको जो मर्जी लिख देंगे उनको जो मर्जी कर देंगे मुझे नहीं चाहिए नेगेटिविटी चीजें शी इज माई वाइफ शी इज नॉट माई गर्ल आई एम नॉट डेटिंग हर आई एम मैरिड टू हर और उसको प्रोटेक्ट करके रखना मेरी जिम्मेदारी है इस दुनिया में ओके बिकॉज आई एम एंसरेबल टू द होल वर्ल्ड इफ समू दिली एंड टू हर आल्सो उसने सोमी ने मुझे भरोसा करके दिल, दिल दिया है इट इज़ वेरी कि कि मैं उसको संभाल के सो मी यू नो जब आपने ये डिसीजन लिया आप आदिल से शादी कर रही हैं आई एम श्योर काफी लोगों ने आपको बोला होगा कि अरे यू शुड नो हिज पास्ट आपने तो देखा ही होगा पास्ट में आदिल कैसे था हाउ डिड यू डेल्ट विद ओपिनियंस अराउंड यू ऑनेस्टली मेरे लिए मेरी फैमिली का ओपिनियन मेरी बहनों का मेरी सिस्टर्स का ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है सबा she was with शी वॉजन बिग बॉस वी वेरी लाइक बडीज ओनली मैं सो so, हमारे मुझे मुझे उनका opinion ज़्यादा matter करता है क्योंकि मुझे लगता है वो right decisions देंगे पहले मैं आदिल को जब पसंद करने लग गई और मुझे लगा कि नहीं हिज़ अ परफेक्ट पर्सन तो मुझे नहीं लगता फिर कि किसी के थर्ड person के आने से मेरी चॉइस बदल decisions बदल जाता कि उसने बुरा बोला होता अच्छा बोला होता क्योंकि yeah. आदिल को मैंने एज अ पर्सन वन टू वन जाना है हीज़ अ वेरी नाइस एंड काइंड धोखा किसी के साथ भी हो सकता है गलत किसी के साथ भी हो सकता है किसी की भी पास्ट में कोई चीज बुरी हुई हो इसका मतलब वो बुरा नहीं है उसका पास्ट बुरा है ठीक है उस किसको जज करना इट अ वेरी स्टिपट थिंग हम लोग सब एजुकेटेड लोग हैं लाइफ में देखते हैं कि किसी के साथ भी अच्छा बुरा हो सकता है सो so, आदल के साथ भी अगर धोखा हुआ बुरा हुआ तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है तो इसलिए उनको सेकेंड यू नो चांस मिला अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ना चाह रहे हो इसमें कोई गलत नहीं है मेरी फैमिली भी इस बात को पहले लेतेशियली देवा कंसर्न कि क्या है कैसे है तो शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है राइट right? तो so, देवा कंसर्न इनिशियली देन मेट हेम सो so, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हुई बहुत समझे इज़ अ नाइस पर्सन मेरे डैड मेरे मॉम तो इतना खुश हैं उनको लगता है कि आई फाउंड द राइट पर्सन हु इज़ रियली नाइस एंड हम्बल

कि किसी को भी उस yeah. पर जज किया जाए एंड यू नो जैसे सोमी ने कहा आदिल की पास्ट के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए एंड देखा जाए आप एक तरह से मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में टू मेक इट बेटर बट आई वुड टेक इट ऑन मीडिया एज वेल आदिल टूडे जब भी आपकी कोई रिपोर्ट्स आती है या यूट्यूब चैनल्स भी आपके बारे में कुछ पोस्ट करते हैं देर इज दिस कह सकते लेबल अटैच टू यू की अरे आप राखी सावंत के एक्स हजबेंड हो हाउ डू यू डील विद डैट एंड डज दैट बॉदर यू बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उसके आगे भी अब एक आइडेंटिटी बना लिया मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता मुझे 20 चैनल लिखते होंगे राखी सावंत का एक्स मुझे 100 चैनल लिखते हैं आदिल खान दुरानी मुझे उस चीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं एक बात बताऊँ मैं ट्रस्ट में एक रेशियो बताता हूँ मुझे बीस लोग हेट करते हैं मुझे बीस लोग प्यार करने वाले हैं जो मुझे लोग प्यार करते हैं ना मैं उनके साथ ही जुड़ना चाहता हूँ मुझे जो बहुत सारे लोग हैं मेरी जिंदगी में आए हैं मेरे मेरे से दोस्त बने मेरा फ़ायदा उठाया पब्लिसिटी ली आज जो नेगेटिव बन गया मैं मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता वो नेगेटिव बन गए मेरे एक कॉल से पॉजिटिव हो जाएंगे मुझे नहीं करना उनको कॉल exactly. मुझे नहीं बात करना उन लोगों से मैं चाहता हूँ वो और नेगेटिव हो जाए मेरे टू मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैंने इतनी नेगेटिविटी मेरी जिंदगी में देख के मैं बाहर आ गया हूँ ना आज मुझे वो सब चीज़ें बॉदर नहीं करती मुझे सिर्फ hmm. पॉजिटिव चीज़ें देखना है मुझे सिर्फ इतना देखना है मेरा बिजनेस मेरा काम मैं क्या कर रहा हूँ कल क्या कर रहा हूँ मेरे काम से मेरे घर वालों को क्या तकलीफ होगी सोमी का ओपिनियन क्या होगा मुझे बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मैटर करेगा इस दुनिया में और uh, मुझे लगता है ठीक है पास के वजह से कुछ नाम जुड़े जाते हैं लेकिन जब आदिल के साथ वो चीज़ हुई और जो एक्सपीरियंस हुए उसके बाद वो बाहर आए अपनी जब आवाज़ रखी तो आई थिंक पीपल लुक एट हेम एज अ लीडर नाउ नॉट एज समबडी इज़ लाइक पास्ट के बारे में या जोड़ के जो आप बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो था उनके साथ हुआ इसलिए वो चीज़ वैसे न्यूज़ वैसे आई लेकिन जब वो बाहर आए उन्होंने बात की अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा उनके फैंस बने तो वो एज आदिल खान दुरानी उनके फैन है उनको भाई हम जैसे हम, तो हम ट्रैवल करते हैं साथ में हम आ रहे हैं एयरपोर्ट पे जा रहे हैं मॉल्स में जा रहे हैं तो ऐसा लगता है भाई भाभी कॉन्ग्रेचुलेन्स वी वेरी हैप्पी फॉर यू आदिल भाई बिग फैन यू नो कहाँ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया कम एंड दे कॉन्ग्रेचुलेट हिम सो इट्स बिकॉज वो क्या है लीडर उन्होंने बहुत नाम अपना अपने दम पे अचीव किया वा नेगेटिविटी की थी लोगों ने पहले तो नेगेटिव जोन so, में डाल दिया था जब वो आके अपने आप को एज अ लीडर उन्होंने खड़े होकर अपना स्टैंड लिया तब लोगों ने कहा वाओ ही इज डिफरेंट हीज अमेजिंग तो ये चीज तो मैं पूरा क्रेडिट इनको ही देती हूँ कि लोग इतने फैंस हैं इनके क्योंकि बिकॉज ही इज दैट ग्रेट पर्सन यू नो आदर वन मोर थिंग

That is I am. Not I business. am none of my business. She will date tomorrow. She'll marry again. She will leave. That's her pattern. That's her business. I have nothing to do with others' business. And uh, you know, Adil, आपने बोला ना कि आप law के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. There were also reports कि आपने उनके against like Umar Kaid की एक you know FIR दर्ज की कि like Rakhi will be jailed. क्या हुआ उस legal? Because she is now in Dubai. बहुत सारे के हैं. वही Rakhi is in Dubai. Do you know it? Yeah. वही. राखी इज़ इन दुबई बिकॉज राखी के ऊपर जो हमने केस किया है राखी को बेल नहीं मिल रहे है शी इज अपडिंग फ्राम इंडिया फ्रॉम लास्ट फोर एंड हाफ मंथ्स नो दैट इज़ वाई शी इज़ इन दुबई इफ शी कम्स शील बी बिहाइंड द बार इन नेक्स्ट टू आवर्स इफ़ शी कम्स टू इंडिया शी हैज़ टू गेट अ बेल शी नॉट एबल टू गेट अ बेल बिकॉज सिक्सटी सेवन ए का एक एफ आई आर हम लोगों ने किया है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ हमने बेल रिजेक्ट करवा दी सेशन कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ हमने बेल रिजेक्ट करवा दी हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ हमने बेल रिजेक्ट करवा दी सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अप्लाई किया है लास्ट दो महीने से एप्लीकेशन अभी तक पुट अप नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ एंड यू नो उन्होंने अभी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि भगवान सोमी को आदल से बचाए

रमजान के रिचुअल्स हैं और उसके बाद हमको रिसेप्शन करना है मुंबई में मुंबई में एक टाइम तो ऑफ कमिंग ऑन <laughs> मुंबई फ्रेंड्स क्लब कब रि, रिसेप्शन रखेंगे इंशाल्लाह ईद है इंशाल्लाह ईद रमजान

हाँ, कोई शो की तो अभी बात नहीं हो रही है हम लोग उसको बैठ के करेंगे क्या करना है हमारा म्यूजिक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है इंशाल्लाह इमीडिएटली आफ्टर रमजान उसका लॉन्च है तो वो रिसेप्शन ये दो चीज़ें तो इमीडिएटली प्लान तो ही रमजान के लिए पूरे रोजे रखेंगे बहुत सारी इबादत करेंगे और मेरी पहली ईद है आफ्टर निका एंड वन थिंग इज़ वेरी गुड अबाउट बोथ दर्स्ट कि हम पूरी कोशिश करते हैं हर नमाज साथ में पढ़ने की तो इज़ ऑलवेज है कि हम वो साथ में रहते हैं वो मुझे पढ़ाते हैं मैं उनके साथ रहती हूँ हम साथ में नमाज़ पढ़ते हैं साथ में शहरी में उठ रहे हैं इफ्तार कर रहे हैं तो ये तो क्या प्लान से भी बढ़ के बड़ा प्लान है हर डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं

क्या सिग्निफिकेंस था उसके पीछे एक्चुअली वो मेरे लिए भी बहुत ब्यूटीफुल uh, सरप्राइज था ये आदिल आदिल को चाहिए था पर्टिकुलरली कि मेरे वेल पे आदिल की दुल्हन लिखा हो yes. और मैं उसे प्रॉपर होल्ड करके आऊँ जब मैं एंटर करूँ तो क्लियरली सबको पता चल जाए मैं आदिल की दुल्हन हूँ तो हमारी एक रस्म होती है शादी के एक दिन पहले दम टू जयपुर सो दे केम होम एंड देन वो वेल आई मेरे लिए फिर मैंने उसको खोल के देखा उस पर आदिल की दुल्हन लिखा था आदिल ने स्पेशली वो कस्टमाइज़ करवाई थी मेरे लिए और बहुत पसंद आ रही है सबको हर कोई मुझे इसके बारे में पूछ रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए भी एक बहुत ब्यूटीफुल <laughs> सरप्राइज है आदिल ने इतना कुछ प्लान किया था मुझे नहीं पता था थैंक यू बीबीटम सो आदिल एंड सोमी आई हैव अ फ्यू कमेंट्स जो आप लोगों के पिक्चर्स पे आए हैं आफ्टर योर वेडिंग सम आर गुड सम आर बैड बट अगेन आई वुड लाइक टू रीड इट आउट एंड आप जानना चाहूंगी आप लोगों के क्या थॉट्स है उस पर फर्स्टली बेस्ट कपल

आज समवन हैज रिटन ये सब ओवर एक्टिंग कर रहा है अच्छा तुम भी एक्टिंग करो तुम भी ओवर <laughs> एक्टिंग <-acting laughs> करो <laughs> तुम भी <वर> <laughs> क्या <करो, laughs> <तुम भी laughs> होती, <laughs> होती है ओवर एक्टिंग क्या होती है वन क्वेश्चन व्हाई फॉर मी शी इज माय लव शी इज माय माय एवरीथिंग आई फाउंड एवरीथिंग इन हर शी इज द जो होते हैं ना मैरिज मटेरियल जो बोलते हैं ना शी इज दैट शी इज नॉट एट ऑल अ डेट मटेरियल आप ये हमेशा बोलते हैं तुम प्रॉपर हाउस वाइफ या शादी के लिए जो लड़कियां होती हैं ना वैसे परफेक्ट हो एकदम यू नो तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं सुनती हूं आई फील हाउसवाइफ एज इन आई वांट टू टेल दैट प्रॉपर्ली जो हर चीज संभाल सके जो बिजनेस yeah. जो घर जो माँ बाप हर चीज को प्रॉपर तरीके से टेक केयर कर सके ऐसा नहीं कि टाइम टर्म बिल्कुल भी नहीं शी कैन टेक केयर ऑफ अ हाउस अगर सर्वेंट्स हैं शी कैन टेक केयर ऑफ सर्वेंट्स पेरेंट्स बिजनेस शी एवरीथिंग सो परफेक्ट इन एवरीथिंग शीज सो परफेक्ट इन एवरीथिंग घर बोलो बिजनेस बोलो ओपिनियन बोलो शो बोलो सेलिब्रिटी बोलो शी इज एवरीथिंग शी नो शी इज गुड इन एवरीथिंग ऐसा कुछ भी नहीं कि एक चीज में वो खराब है शी हैज गुड लुक्स

को और फ्लरिश मिलना चाहिए मुझे सोमवी से मिलना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं थोड़ा भी रिस्क करूंगा मैं सोमवी को पकड़ूंगा मैं सोमवी को नीचे लाऊंगा बिल्कुल नहीं सोमवी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स इन हर लाइफ आई एम ऑलवेज विथ हर सोमी आर यू इन टच विद दीपिका नॉट रियली एक्चुअली बहुत पहले बीच-बीच में कभी बात हो जाती है वाली में मैं इंशाल्लाह <laughs> वाली में मैं, मैं सबको इनवाइट करेंगे But, uh, हाँ, वो दीपिका भी 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 चुन्नी सेम सेम थी yeah. हमारी भी मुझे भी भी किसी ने ने पूछा था yeah. uh, तो सेम कुछ था, था person, तो कुछ तब याद आया बात होगी लोगों ने कहा अभी ये भी कि आप राखी से फेमस होने आए हैं और वो हो गया नो no प्रॉब्लम ना आप भी चार पांच करोड़ रुपए लेके और राखी के पीछे बर्बाद करो <laughs> आप भी फेमस हो जाओ वरना आप ले मैं बट यू नो एक बात बताओ ना

क्यों हम थ्रू लॉट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कुछ जिंदगी में कहीं मुझे रुकावट आ रही नहीं मुझे सबसे बड़ी चीज मेरी जिंदगी में मुझे मेरा प्यार मिल गया आई एम डन विद आई एम हैप्पी एज शी इज ओके आई एम ओके आई एम डन फॉर इट बिग बॉस में जाने के लिए ये कदम उठाया है और आदिल और और सबसे ज्यादा आप ही राखी का टॉपिक लेके बात कर रहे हो और मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ बिकॉज बिकॉज यूर गुड यूर ट्रीटिंग एज गुड वैसे मैं बात कर रहा हूँ बहुत पहले कट कर देता है टॉपिक को <laughs> बिग बॉस में जाने के लिए ये कदम आदिल ने उठाया है सच अ मास्टर प्लान अगर विनर हो जाऊंगा मैं तो और शादी बिग बॉस तीन चार महीने आके चला जाएगा शादी जिंदगी भर का साथ है तो सच अ... सिली क्वेश्चन आई मस्त से बट ठीक है जिसको जो सोचना है सोचो, अभी फ्री बैठे हैं काम नहीं है तो करो कॉमेंट करो कुछ भी पूछना है पूछो हम तो देखते भी नहीं है

आदर यू नो आई थिंक इन फेक वेडिंग कहने वालों को जवाब दे सकते हैं हम इफ यू प्रपोज सोमी नाउ नो ही ऑलरेडी हैज प्रपोज़ मी ही है बस बट ये एक नो नो इट्स नॉट इफ नो इफ विल कम हियर सॉरी व्हाट इफ अ फेक वेडिंग के लिए आप प्रपोज मुझे कि ऐसा कुछ नहीं है या चाहिए ही है टू नाउ ही प्रपोज्ड सोमी एक शायरी हो जाती सोमी के ये तो आई एम नॉट अ शायर बट आई कैन से आई लव यू अ लॉट आई लव यू बेबी

पाँच दस मिनट में जब भी पाओ मान जाओ क्योंकि स्ट्रेच करेंगे तो उससे और नेगेटिविटी ऐड होती है रिलेशनशिप में तो एक दूसरे से बात करते रहो कम्युनिकेशन वेरी इन रिलेशनशिप थैंक यू यू सो मच आदिल खान इट लवली चैटिंग विद बोथ एंड हैप्पी बबल